हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी छोड़े बिना पीएफ कैसे निकालना है, पीएफ निकालने की ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, उसके लिए हमें कौन सा फॉर्म सबमिट करना होता है और इसे सही तरीके से कैसे भरना होता है, ऑनलाइन क्लेम फॉर्म अप्लाई करने से पहले और उसके दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है ताकि पीएफ का क्लेम रिजेक्ट ना हो, ऑनलाइन पीएफ क्लेम के बाद कितने दिन के बाद पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, गूगल में हमें टाइप करना है UN लॉगिन। लॉगिन करने के बाद उसके बाद हमें इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों, जो आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट ओपन होके आती है उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होकर आपके सामने आता है। आप देख सकते हो मेंबर ई सेवा का पोर्टल है। यहाँ पे UN नंबर डालना, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना दोस्तों। चलो दोस्तों, मैं कैप्चा डाल देता हूँ। उसके बाद हमें लॉग इन करना है। तो दोस्तों, उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होकर आपके सामने आ गया। एक यहाँ पे अलर्ट का ऑप्शन आता है दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने पीएफ में ई नॉमिनेशन नहीं किया दोस्तों, तो आप ई नॉमिनेशन कर लो, क्योंकि उसकी ऐप से रेगुलर नोटिफिकेशन आ रहे हैं। अगर आपने ई नॉमिनेशन नहीं किया तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप अपना ई नॉमिनेशन कर सकते हो दोस्तों। तो मैं अभी यहाँ पे इसको लेटर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीएफ अप्लाई करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, तो दोस्तों हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारी केवाईसी हो रखी है कि नहीं हो रखी है दोस्तों। तो ये हम कहाँ से चेक कर सकते हैं? एक यहाँ पे ऑप्शन होता है मैनेज, मैनेज में एक ऑप्शन मिलेगा आपको केवाईसी, उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होकर आपके सामने आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो करंटली एक्टिव केवाईसी, जो आपके करंट में कौन सी केवाईसी एक्टिव है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका बैंक पैन एंड आधार। तो केवाईसी में दोस्तों हमारा बैंक अकाउंट नंबर अपडेट होना चाहिए, हमारा पैन कार्ड अपडेट होना चाहिए, जो हमारा आधार नंबर है वो हमारा UN में अपडेट होना चाहिए दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा अकाउंट नंबर भी अपडेट है, IFC भी है, ये हमारा जो एम्प्लॉयर है उससे ये अप्रूव्ड भी है दोस्तों। आप ये देख सकते हो मेरा बैंक अप्रूव्ड है, आप देख सकते हो मेरा पैन भी अप्रूव्ड है दोस्तों, और आप देख सकते हो मेरा आधार भी अप्रूव्ड है दोस्तों। दोस्तों मेरे बैंक, आधार, पैन तीनों चीजें KYC अप्रूव्ड है दोस्तों। तो आप दोस्तों, हम चलते हैं, बिना कंपनी छोड़े हम अपना PF कैसे निकालते हैं दोस्तों। उसके लिए हमें ऑनलाइन एक सर्विस यहाँ पे ऑप्शन दिखता है, उसके लिए हमें यहाँ पे क्लेम फॉर्म 3119-10C पे हमें क्लिक करना है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होकर आपके सामने आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक अकाउंट नंबर, दोस्तों हमें यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है। दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमें यहाँ पे वही बैंक अकाउंट नंबर डालना है जो अकाउंट नंबर हमारा UN से लिंक है दोस्तों, जिसकी हमने KYC की हुई है और जो हमारे एम्प्लॉयर ने अप्रूव की हुई है दोस्तों। दोस्तों चलो मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का पॉपअप ओपन होकर आपके सामने आएगा, इस पे हमें यस पे क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हो प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होकर आपके सामने आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन होते हैं, हमें वहाँ पे सिलेक्ट करने होते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे PF एडवांस फॉर्म 31 पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट सर्विस। सिलेक्ट सर्विस पे जैसे हम टिक करेंगे तो जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी के हमें अपनी एस्टेब्लिशमेंट आईडी यहाँ पे टिक करनी है दोस्तों। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो परपज फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे ना कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक COVID-19, नेचुरल क्लैमिटीज, इलनेस, पावर कट। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस कितनी हो गई है। अगर आपकी 5 ईयर की सर्विस है तो आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपकी 7 साल की सर्विस है तो आप मैरिज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा पैसा निकलता है वो निकलता है 7 साल की सर्विस होने के बाद, जो कि किसके लिए होता है, वो होता है मैरिज के लिए, जो कितना वो टोटल अमाउंट का 90% तक निकल जाता है दोस्तों। अगर हमारी कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो उसमें 75% तक निकलता है दोस्तों पैसा। तो मैं अभी यहाँ पे इलनेस पे टिक कर लेता हूँ। तो उसके बाद एक यहाँ पे ऑप्शन है अमाउंट ऑफ एडवांस रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे मुझे जितने पैसे की एडवांस की रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पे अपनी अमाउंट डाल देता हूँ अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एम्प्लॉय एड्रेस, यहाँ पे हमें एम्प्लॉय का एड्रेस डालना है। आप दोस्तों इसमें वही एड्रेस डालना जो आपके आधार कार्ड में है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया है। दोस्तों एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, हमें अपनी जो चेकबुक या हमें पासबुक यहाँ पे ना अपलोड करनी होती है दोस्तों। यहाँ पे चूज फाइल का एक ऑप्शन होता है,
तो हमें यहाँ पे वो अपना जो चेक होता है वो अपलोड करना है दोस्तों। तो उस एक बात आपको याद रखनी है, जो भी हमें यहाँ पे चेक या पासबुक अपलोड करना है तो उसका जो साइज है वो मिनिमम 100 KB होना चाहिए, और जो मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो मैक्सिमम 500 KB तक होना चाहिए दोस्तों। कम से कम 100 KB का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 500 KB तो होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा या कम है तो ये यहाँ पे अपलोड नहीं होगा दोस्तों। चलो दोस्तों मैं चेक अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों मेरा चेक यहाँ पे अपलोड हो गया है। दोस्तों जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमें किन किन बातों का अप्लाई करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो दोस्तों। तो दोस्तों एक हम मैंने यहाँ पे अभी चेक अपलोड कर देते, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखेगा आपको साथ में व्यू का ऑप्शन, आप देख सकते हो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है दोस्तों। हमें इस पे ना क्लिक करके देखना है कि जो हमने चेक इसमें अपलोड किया है उसमें मेरा उसमें अपना नाम, आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, तो उसमें सारा कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। एक बार हमें व्यू करके जरूर देखना है दोस्तों कि हमें वहाँ पे जो हमने चेक अपलोड किया तो वहाँ पे वो दिख रही है कि नहीं दिख रही है दोस्तों। मोस्टली मैंने ये देखा है कि जो भी पीएफ के केस रिजेक्ट होते हैं तो मोस्टली वहाँ उसमें यही होता है कि आप जो भी चेक या पासबुक अपलोड करते हो वहाँ पे आपका अकाउंट नंबर या आपका नाम या आईएफएससी कोड क्लियर से क्लियरली विजिबल नहीं होता दोस्तों, तो जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टिक करने का, चेकबॉक्स पे टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। अब जो मोबाइल नंबर आपके आधार में रजिस्टर है उस पर ओटीपी जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो ओटीपी हैज बीन सेंट ऑन मोबाइल नंबर दिस रजिस्टर्ड विद UIDAI, जो मेरा आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था उस पर ओटीपी भेज दिया दोस्तों। तो मैं इसमें ओटीपी डालता हूँ दोस्तों, ओटीपी आ गया है। उसके बाद हमें टिक करना है वैलिड एंड ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म। तो मैं दोस्तों इस फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, ई के वाई सी अपडेटेड एंड पी एफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। दोस्तों जो मेरा फॉर्म था वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ से जो मेरी पीडीएफ है वो मैं क्लिक हेयर करके अपनी पीडीएफ भी डाउनलोड करके रख लूंगा दोस्तों। तो दोस्तों अब बात आती है कि पीएफ का क्लेम कितने दिन में सेटल हो जाता है दोस्तों। जो पीएफ का जो क्लेम है ये 7 से 10 वर्किंग डेज में ये क्लियर हो जाता है दोस्तों। 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ये मेरा पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।